अपनी चाल में हो गई कामयाब, शालीन और सुंबुल की दोस्ती में पड़ गई दरार। क्या ये पूरी अपडेट, चलिए आपको बताते हैं। वेल, जैसे कि हम देख रहे हैं बिग बॉस के घर में कि टीना को ये पसंद नहीं है कि सुंबुल शालीन के साथ रहें, और वही पहली एक कंटेस्टेंट थी जिन्होंने शालीन से पूछ लिया था कि तुम दोनों के बीच कुछ है क्या, जिस पर शालीन ने जवाब दिया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बच्ची है। इनफैक्ट उसके बाद से ही हम शालीन को देख रहे हैं कि वो सुंबुल से दूर भाग रहे हैं, क्योंकि लोग उनके बारे में बातें कर रहे हैं, वो सुंबुल से दूर भाग रहे हैं। और यहाँ पर टीना ने उनको एक आइडिया भी दे दिया कि तुम किस तरीके से वो तुमसे दूर रह सकती है, जहाँ पर टीना उनको ये आइडिया देती है कि तुम दूसरी लड़की के साथ यहाँ पर फ्लर्ट करो, जिसके बाद उसको पता चल जाएगा कि तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। वेल, टीना कामयाब हो चुकी है अपने इस इरादे में, क्योंकि अभी यहाँ पर शालीन और सुंबुल की जो बॉन्डिंग थी, दोस्ती थी, वो काफ़ी कम हो गई है। दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे, ज़्यादा टाइम टीना शालीन के साथ ही नज़र आ रही हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनकी दोस्ती जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अगर फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये चीज़ अच्छी हो गई है कि शालीन और सुंबुल के बीच जो दोस्ती थी वो ख़त्म हो रही है, कहीं ना कहीं जो हर वक्त इनका एक साथ देखते थे वो चीज़ ख़त्म हो गई है, क्योंकि फैंस खुद भी नहीं चाहते हैं, और इनफैक्ट सलमान खान भी नहीं चाहते हैं। सलमान खान ने खुद भी बोला है कि अपना गेम खेलो, और फैंस तो बिल्कुल भी नहीं चाहते, फैंस चाहते हैं कि सुंबुल अकेले में ही काफ़ी और वो खेल सकती है। कल यहाँ पर जो फैन का मैसेज दिखाया गया था उसमें भी यही चीज़ बात हुई थी, शेखर सुमन ने भी यही बात कही, तो कहीं ना कहीं बार बार उनको ये हिंट दिया जा रहा है कि तुम अकेले खेल सकती हो। तो भले ही टीना ने ये चीज़ की हो, एक चाल चली हो, लेकिन मुझे लगता है कि जो किया सही किया, क्योंकि सुंबुल अकेले खेल सकती है। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है, कॉमेंट करके ज़रूर अपनी राय दें। थैंक यू।